हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं विपिन कुमार अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज नागपंचमी का दिन है और आज के दिन अच्छा पकवान लोग अपने घर पे बनाते हैं और शंकर भगवान को दूध और लावा चढ़ाते हैं। लेकिन एक बार सोचने वाली बात यह है कि जिन घरों में ये खुशियाँ मनाई जाती हैं उनके घर में तो बहुत आनंदित होता है, लेकिन जिनके घर में इस दिन लोग पुराने लोगों की याद करते हैं, अपने जीवन में दुखों को एहसास करते हैं, उन लोगों के साथ अगर ये त्यौहार मनाया जाए तो कैसा रहेगा? आपका भी कहना अच्छा होगा, मेरा भी कहना बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आज के दिन हम अपना त्यौहार मनाने से पहले, एक दिन पहले, आप सभी को पता है, हम उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो हमारे गांव में विधवा औरतें हैं, जिनके पास पति आज नहीं है, जिनके पास कोई लड़का कमाने वाला नहीं है, केवल बेटियाँ हैं या उसकी मम्मी हैं। तो ऐसे लोगों के घर पे हम पहले चलेंगे, अपनी तरफ से नागपंचमी के दिन उन्हें पकवान बनवा करके देंगे और उन्हें मटर और चना देंगे, ताकि वो भी अपने घर पे इस पकवान को खा सकें और थोड़ी देर के लिए खुश हो सकें। तो दोस्तों, चलिए अब सारा सामान खरीद के ले आते हैं, अपने घर पे बनवाते हैं और फिर चल करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, यह कार्य करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा जो है समय लगता है, लेकिन कुछ लोग इस कार्य को दिखावा समझते हैं। मेरे दोस्त, ये कार्य दिखावा नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ ये परिक उपलक्ष में शुरुआत किए हैं। हम सोचना शुरू किए थे कि हम जो भी इनकम कर रहे हैं, हमारे सीनियर लोग बताते थे कि उसका 10% आप दान कर दिया करो। तो मैं सोच में पड़ जाता था कि कहाँ पे दूँ। तो मैं एक दिन अचानक अपनी टीम के साथ बैठा, जिसमें राम बाबू जी थे, बहुत सारी टीम थी हमारी वहाँ पर, तो वहाँ पर डिस्कस हुई कि सर, हम लोग ना ज़रूरतमंद लोगों को देंगे, ऐसा नहीं कि जो मन में आए, जहाँ मन में आए आप दे दीजिए, हम लोग ज़रूरतमंद के देते हैं, अपनी इनकम का 10% निकालते हैं, उस 10% में से हर तीज त्यौहार पे लोगों को दे देते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब आपको ले चलते हैं, हमारी टीम देखिए कितना मिल करके काम कर रही है, सारे पकवान को तैयार कर रही है। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हमारी परी है जो यहाँ पे खेल रही है और सारे लोग मिलके पकवान बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये निशा जी हैं और ये कंचन जी हैं, ये चांदनी जी हैं, प्रीति जी हैं, और अब आप देख सकते हैं कंचन जी सूजी चालना शुरू कर दी हैं। अब थोड़ी देर के बाद इस सूजी की भुजाई होगी। अब आप देख सकते हैं प्रीति जी सूजी को भूजना शुरू कर दी हैं। अब थोड़ी देर के बाद गोझा बनना शुरू होगा। अब आप देख सकते हैं महफूज जी, लक्ष्मी जी और प्रीति जी, कंचन जी मिल करके गोझा की लोई काटना शुरू कर दिए हैं। अब गोझा तैयार होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं गोझा को छाना जा रहा है। अब ये छानने के बाद सभी को जल्दी जल्दी पहुंचाया जाए, क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है सुबह से और शाम भी होने वाला है। अब आप देख सकते हैं हमारे घर पर अभी कार्य लगा हुआ है, हमारा घर अभी बन रहा है, साथ में हम सभी लोग इस त्यौहार के दिन भी सबको पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं राम बाबू जी सारे सामान को पैक करके गाड़ी की डिग्गी में रखने के लिए आ चुके हैं। अब की बार राम बाबू सर की कार से ही हर जगह सामान बांटा जाएगा। ये राम बाबू सर की कार है और इस कार के डिग्गी में सारा सामान रखा जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर अनिल सर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सारा सामान ला करके कार में रखवा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं चांदनी जी, डॉक्टर साहब सारा सामान लेकर के आ चुके हैं, सारा सामान कार में पैक हो चुका है, जहाँ जहाँ पे जितना जितना देना है उसके अनुसार से कार में रख दिया गया। अब हम कार को बैक कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अब शाम हो चुकी है और पहुँचाते पहुँचाते रात भी हो सकती है। दोस्तों, इस कार्य में मेहनत बहुत लगती है और लोग जो है इस कार्य को दिखावा समझते हैं, यही बहुत गलत बात है। अब हम सभी लोग फर्स्ट घर पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोगों को सामग्री देना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, इनके हस्बैंड बहुत ही कम समय में गुजर गए, बहुत दुख की बात है। अभी इनकी बच्चियां छोटी छोटी हैं, आज हमारे परी को सब लोग अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं और हम हमेशा इसी प्रकार से इनकी मदद करते रहें, आप भी अपना आशीर्वाद देते रहिए। दोस्तों, हम लोग दूसरी जगह आ चुके हैं, इनके पास कोई बच्चा या बच्ची नहीं है और इनके हस्बैंड भी इस संसार में नहीं हैं। आज हमें इन परिवार को अपनी तरफ से मदद करने में अच्छा लगता है, हमारी परी को
सारे लोग इस बार आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि इस बार हमारी परी भी साथ में आई है। और अब आप देख सकते हैं हम लोग तीसरे परिवार के पास आ चुके हैं। इस परिवार में अभी छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं। हमारी परी को ये गोद में लेना चाह रही हैं लेकिन अभी परी गोद में नहीं गई, तो हम लोग जल्दी से दे देते हैं और निकलते हैं क्योंकि बारिश होने वाली भी है। अब आप देख सकते हैं हम लोग चौथे परिवार में आ चुके हैं। ये पद में हमारी भाभी लगती हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, हमारी परी को भी ये खिलाती रहती हैं। अब हम लोग पांचवें परिवार में आ चुके हैं। इनके पास छोटी छोटी बच्चियां हैं और कुछ बच्चियां बड़ी थी जिनकी शादी हो चुकी है और इनके पास बच्चे नहीं हैं, इसलिए इनको मदद करने में हमें खुशी मिलती है। ये हमारी पद में भाभी लगती हैं और इनके भी परिवार में बहुत दुख है। ये हमारी पद में बड़ी अम्मी लगती हैं, इनके भी परिवार में दुख है, बच्चे नहीं हैं, बच्चियाँ थीं उनकी शादी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं हम लोग एक ऐसे परिवार से आए हैं जिनका हस्बैंड भी नहीं है, कोई बच्चे भी संसार में नहीं हैं। इनको मदद करने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जिस जगह पे हमारी परी का देख रेख होता है और अपना आशीर्वाद हमेशा देती हैं, हमारे परिवार को भी हमेशा ये देखती रहती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है ये परी को अब खिलाएंगे और ज़रा सुनिए इनका आशीर्वाद। भगवान की गाय दे पप्पा तोरे संगे और पाछे पाछे चला यहां हां चल भी घरे और ये तो परिवार हो गया परिवार हो गया। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देख लिया वीडियो को पूरा और आपने ये भी एहसास कर लिया कि हमने रात में एक दिन पहले सबके घर पे सारा सामग्री पहुंचा दिया ताकि कल सुबह वो भी त्यौहार को मना सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अपनी टीम के साथ किसी और त्यौहार पे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।